पहचानी? नाम बताएंगे तभी तो पहचानूंगी। बिना नाम के नहीं पहचान पाओगे? नहीं, ऐसे किसी मैं अनजान इंसान से बात नहीं करती हूँ ना, इसीलिए। हाँ अनजान? जी, शायद तुम भूल रही हो, कल तुम ऑनलाइन थी, तुमने किसी से बात की थी, उसने तुम्हारी फोटो की तारीफ भी की थी, उसके तुमने भी उसको हैंडसम बोला था, उसके बाद नंबर शेयर हुआ था, नहीं, याद हो मैं आपको? रोज रात को डेली बादाम का दूध पीती हूँ, सुबह के खाती हूँ, तो मेरी मेमोरी अच्छी है, मुझे याद भी है। याद आ गया फिर? नहीं, मुझे याद है कि मैंने किसी इंसान से बात की थी, उसकी फ़ोटो की तारीफ़ भी करी थी, उसने भी मेरी तारीफ़ करी थी, मैंने उसे नंबर भी दिया था, उसने भी मुझे नंबर दिया था। बट आपने कॉल आप नहीं किया, कौन? मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, आप वही हैं? नहीं, इतनी बात बताने के बाद भी सीरियसली पूछ रहे हो? मैं वही हूँ। कंफर्म करना पड़ता है ना, ओह माय गॉड, हर चीज़ में कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। हाँ हाँ ना बेटा? जी, आपको हो गया? हाँ, मेरा हो गया। मैं सोचा कि तुम लड़की हो तो अपनी तरफ से तो कॉल करोगी नहीं, नहीं, ऐसा तो मैं ही कुछ कर नहीं लूँ। है, मेरा शेड्यूल आजकल थोड़ा बिजी चल रहा था, इस तो वजह अभी से बिजी कॉल। हो, बाद में बात करूँ? नहीं, अभी तो मैं फ्री हूँ, क्या कर इस रहे हो? टाइम मैं फ्री रहती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। डबल टेक हाँ डाउन। तो मतलब रोज आप इस टाइम फ्री होते हैं ना? नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्या? मोस्टली मैं इस टाइम पे फ्री रहती हूँ, मोस्टली। अच्छा, अभी तो आप फ्री हो ना? हाँ जी, हाँ, एक बात पूछूं, पूछिए। इंस्टाग्राम पे वैसे तो बहुत सारे लड़के मतलब आपको हाय हेलो वगैरह भेजते होंगे, तो आपने मेरा ही मैसेज मतलब सीन किया, मेरे ही मैसेज पे रिस्पॉन्ड किया, या सबके भी करते हो? नहीं, मैं किसी के मैसेज पर रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे पे कैसे किया? वो एक्चुअली आपकी डीपी जो थी ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, इसीलिए मैंने आपका अकाउंट खोला, प्रोफाइल चेक करी, और आपके फोटोज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा यू अच्छे थे। मीन टू यस, से कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ? आई मीन टू से, यू आर वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट स्मार्ट, इसीलिए मैंने मैसेज किया। बात होती है तो कितना अच्छा लगता है ना? कभी को अच्छा लगता लाइफ होती है तो, नहीं, वैसे मैंने आपको इसलिए मैसेज नहीं किया कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, मतलब नहीं हो नहीं मतलब हो, तो बट कहने का मतलब तो आप यही था कि नहीं हो, नहीं, क्यूट। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं हो, मैंने आई, बोला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कंफ्यूज हो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, आप हो, बट एक्चुअली मैंने मैसेज इसलिए नहीं किया था कि आप ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, वजह से मैसेज नहीं किया था मैंने मैसेज। किस वजह से आपने मुझे मैसेज किया था? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आई थिंक आपने मुझे हाई का मैसेज किया था, उसके बाद मैंने आपको रिप्लाई किया था। हाँ राइट। हाँ, किस वजह से मैसेज किया था? एक्चुअली अब ब्यूटीफुल तो हुई, क्यूट भी हो, बट एक चीज़ मुझे लगी ना, वो था आपका चश्मा। आपका चश्मा बड़ा क्यूट लगा मुझे, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। मैं पूछने वाला था कि ये चश्मा आपने कहाँ से बनाया, बहुत अच्छा लग रहा चश्मा मैंने कहाँ से बनवाया? है, बहुत क्यूट, एकदम चश्मे अच्छा की लग रहा काफ़ी है। सारी शॉप्स होती हैं, आपको ये फ्रेम अच्छा लगा है तो मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, आप अपने लिए बनवा सकते हो। नहीं, मुझे अपने लिए नहीं बनवाना। किसके लिए बनवाना है? ओह, गर्लफ्रेंड के लिए बनवाना है? नहीं, ओह एक्चुअली मैं बताने भूल गया, मैं सिंगल हूँ। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि आप सिंगल हो कि मिंगल हो, आपने अभी बोला ना गर्लफ्रेंड के लिए तो बनवाना है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको किसी अदर बंदी का चश्मा अच्छा लगा है, आपने उसे मैसेज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही किया होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मी के लिए, नहीं, मम्मी इस टाइप के चश्मे नहीं बनती। खुद के लिए, खुद आप लगाते नहीं हो नहीं, मुझे तो। अच्छा लगा, बस इसलिए मैंने मैसेज किया। ओके फाइन, मुझे आप अच्छे लगे, तो इतना घुमा फिरा के चश्मे के ऊपर पॉइंट लगा कि क्यों बोला, आप डायरेक्ट मैं बोल देते। डायरेक्टली बोलता तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगता, नहीं, तो ऐसा इसलिए। कुछ नहीं है, आप बोल सकते थे। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मुझे लगता है मुझे पूछनी चाहिए। हाँ, जब हमें कुछ लगता है तो हमें पूछना ही चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं सिंगल हूँ, राइट? मैंने पूछा नहीं वैसे आपसे, हाँ, आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ खुद से। हाँ, कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि खाना कि आई हैव खाया आपने? बॉयफ्रेंड, हाँ यस और हाँ नॉट? या तो इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे पूछ तो सकते थे आपने नॉर्मली। पूछा नहीं, लेकिन आप समझ गए तो आंसर। हाँ, मुझे आप अटक रहे थे ना बोलने में, तो मैं समझ गई कि आप क्या पूछना चाहते हो। ओ, मतलब था नहीं कि रिपोर्ट हो गया या अभी पैचअप या लंबी कुछ? चौड़ी एक्सप्रेशन नहीं दूंगी, ना ही था, पसंद आया, ना ही ब्रेकअप हुआ, और आपको कुछ मतलब किस टाइप का लड़का चाहिए, मतलब
क्या क्वालिटी होनी चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए सबसे ज़्यादा लड़कियों को, ये होती है। और केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, बस तीन क्वालिटी होनी चाहिए, बस बहुत है। तीन क्या क्या थी? केयरिंग, केयरिंग लविंग, और अंडरस्टैंडिंग, लविंग शायद एक ही होता है ना। अलग अलग होता है मेरे ख्याल से तो। केयरिंग मतलब जो तुम्हारी केयर करे, और लविंग मतलब प्यार करे। ठीक है। सेकंड और थर्ड, अंडरस्टैंडिंग मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, और जो मेरे में है क्वालिटी वो कहाँ गई? वो स्मार्ट, तो होना ही चाहिए ना, जॉब, वो भी होनी चाहिए। लॉयल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपने देखो बोली नहीं। ये सब तो होना ही चाहिए, जो मोस्ट तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो क्या है तो मैं आपके करता हूँ, राइट। मतलब मतलब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा ना खाना खाया कि नहीं, इसको केयर करना ही तो कहते हैं। क्या है तो मैं आपकी करता हूँ मतलब, राइट। और लविंग तो देखो मैं आपसे लव भी करता हूँ इसलिए तो मैंने आपको लव मैसेज किया। करते हैं? हाँ मतलब एक्सक्यूज मी, आप मुझे हम एक क्यों दूसरे को जानते भी नहीं हैं। नहीं, हम जानते आई हैं। थिंक मैं आपका नाम भी भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे आपको याद नहीं करने तो में आप थोड़ा सा, इंसल्ट कर रहे हो यार, नहीं मुझे थोड़ा याद करने में भी थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैं आपका नाम भी भूल चुकी थी। ये तो आप इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि आगे आपको जाके दिक्कत ना हो, मैं आपसे बात करने लगूँ, मुझे आपका नाम ही नहीं पता है। उमंग, ओके उमंग, तो मैं कैरिंग तो हूँ, लविंग को भी तो साइड में एक रख देते हैं। नाम जान के, मैं पूरा बायोडाटा जान के ये नहीं कह तो सकती कि हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। धीरे धीरे जान जाएंगे। इतना भी नहीं जानना है अभी, नहीं मतलब लविंग तो कैरिंग तो हूँ, इतना तो मानते हो ना। घूम फिर के आप एक ही पॉइंट पे आ जाओ ना कि आप क्या कहना चाहते हो। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? दोस्त ना नहीं, आपके पॉइंट्स जान के मुझे लगा नहीं कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। नहीं एक्चुअल में तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। रिलेशनशिप में आना चाहते हो मेरे साथ? मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? ऐसी क्या क्वालिटी दिखी जो आप मेरे आप साथ ब्यूटीफुल हो और आपकी वॉइस अच्छी है, बात सबसे अच्छी तरह करते हो, इतना बहुत है रिलेशन में आने के लिए। मेरे बारे में कितना जानते हैं आप? जितना जानना चाहिए उतना शायद मैं जान ही चुका। मुझे लगता है कि एक दूसरे के बारे में कि एक दूसरे इतना जानते देखो हैं तो देखो बहुत देखो, है। अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो मैं भी फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ आपसे, बिकॉज यू आर स्मार्ट, डैशिंग, केयरिंग भी आप हो, लविंग का पता नहीं, मुझे पता चल ही जाएगा। जॉब आपकी इंटरव्यू आपको अच्छी खासी लग ही रही है, और बाकी आप नहीं मैं प्रोफाइल जॉब नहीं करती हूँ। जॉब नहीं करते आप? नहीं, आपके प्रोफाइल पे तो जॉब का कुछ लिखा हुआ था, शायद आपने मेंशन किया था। नहीं वो ऐसे मजाक फेक में लिख दिया होगा। मजाक में कोई प्रोफाइल पे मेंशन करता है क्या कोई? कोई नहीं मैं एक्चुअली में सच में जॉब नहीं करता हूँ। दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिजनेस करता टेक हूँ। डाउन, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। कुल नहीं मैं बिजनेस मिला के करता हूँ। आपकी प्रोफाइल देख के मुझे आप अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, हैंडसम लगे, और बस हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। देखिए यार अभी फ्रेंडशिप होगी, वे फ्रेंडशिप थोड़ा टाइम खींचनी पड़ेगी इसलिए मैं। खींचते नहीं है, अगर आप दिल से निभा सको तो। हाँ मतलब वही तो मैं डायरेक्ट पूछ दूँ जो मेरे पॉइंट में, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ मैंने भी तो अभी डायरेक्ट अपना पॉइंट बोल दिया है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस है ना। हाँ डिफरेंस होता है, चलो एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेंगे। रिलेशनशिप की बात में वैसे क्या काफ़ी सारे लड़कों ने प्रपोज तो किया होगा तुम्हें, लगता है आपको? शायद किया होगा। मैंने आपको, आपने मुझसे पहले ही पूछा था, इतने सारे मैसेज आते हैं कि आपके पास, मैंने कहा था हाँ आते हैं, रिस्पॉन्स नहीं तो किया है। नहीं वैसे रियल में भी कॉलेज में स्कूल में। वक्त रहते रहते धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा सब कुछ। हाँ वो तो है बट मना कर देते हो क्या? नहीं, तो फिर सब क्या रिलेशन में आए थे क्या? कभी मैंने शायद पहले ही क्लियर कर दिया था कि ना मेरा बॉयफ्रेंड है, ना मुझे पसंद तो आया, ना कुछ बनाया। जब वो आपको प्रपोज करते हैं और मना नहीं करते तो क्या बोलते हो फिर? इग्नोर मार देते हैं ये तो इंसल्ट तो क्या हारते बताते हैं फिर। हैं। कोई अगर अपने दिल की बात कह रहा है तो अब उसे ये भी तो देखना चाहिए कि दिल की बात खुद से कह रहा है। इंसान को जो पसंद आएगा उसके दिल की बात कहेगा। पूरे कॉलेज में एक ही लड़की पसंद आती है हर किसी को। अब ऐसे तुम बोल दो भी पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हें एक ही लड़की पसंद आई। मैं नहीं, आपके पास बहुत सारी लड़कियां होंगी, ऑब्वियस सी बात है,
बट आपने मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखी हुई, तभी तो आपने मुझे मैसेज किया। चश्मा क्यूट लगा ना आपको, तो मेरा चश्मा क्यूट लगा। उस लड़के ने जो तुम्हें प्रपोज करेगा उसको भी तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा दिखा होगा, जब भी तो तुम्हें प्रपोज किया। शायद हर किसी को मेरा चश्मा ही क्यूट लगता होगा। हाँ यार अपना चश्मा चेंज कर लेना फिर। क्यूट लगता है मुझे भी, मैं क्यूट। लेकिन किसी को यार अच्छा एक लगता प्रॉब्लम है। है, तुम और भी चश्मा लगाओगे वो भी क्यूट लगेगा। डायरेक्टली फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। नहीं मुझे डायरेक्टली कर रहा हूँ। अच्छा और बताओ चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या मैंने बोला मैं टाइम पे फ्री रहती हूँ, बट बिजी भी रहती हूँ, तो टाइम तक वो खत्म हो गया। तुम्हें दोबारा ठीक कॉल कर।